बड़े पैमाने पर लोग जनसंख्या लोग जुड़ रहे और समाजवादी पार्टी के पीछे इतना जनसमूह इकट्ठा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी को बहुत ज्यादा होता है, लगातार विपक्ष भी तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उसने वहाँ कहा था, रब कुल रीत सदा चली आई, बचन जाए पर बचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब इस बार जो है जिस तरह से पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था वैसी समाजवादी पार्टी को जनता रख रही है। देखिए बड़े बोले हैं, आए थे हमारे जसवंत नगर में, अभी आए थे मैनपुरी के लोकसभा के चुनाव में, ताखा में आए थे और हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और आगे भी हम उन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैनपुरी लोकसभा में इन्हें बड़पोलेपन को सबक सिखाया है और आगे चल कर के हम उसी तरीके से इन्हें जिस तरीके से मैनपुरी में सबक सिखाया है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता और हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा।